सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से स्मार्ट गाइड में। दोस्तों अगर आपका भी व्हाट्सएप इस तरीके से कुछ बैन हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप बैन हो चुका है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप की जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, इससे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को जो कि बैन हो चुका है उसे सिर्फ 5 मिनट में व्हाट्सएप के अंदर जाकर जो है अनबैन करा सकते हैं। और दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अलावा और कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करती है। तो अब दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पूरा एंड तक देखना और समझना, ओके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना हो, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है नाइस ट्रिक, इस तरीके से आपको नाइस ट्रिक लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना, उस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत बताया कि अब आपको व्हाट्सएप को अनबैन करने के लिए जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ वही वर्किंग जेन्युइन प्रोसेस है और आपको वही करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर रहे हों, आप कोई किसी भी ब्राउज़र का जो है यूज़ कर रहे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो है उस ब्राउज़र को ओपन करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसे चलिए यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है व्हाट्सएप, उसके बाद सपोर्ट लिखना है इस तरीके से। अब दोस्तों आप जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट लिख के सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पर ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के नाम से लिंक मिलेगी, तो आपको इसे ओपन करना है। अब दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट का। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इंडिया से ही होंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया से 91 रहने देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर जो है डाल देना है। तो यहाँ पर मैं रेंडमली अपना एक एग्जाम्पल के तौर पर नंबर डाल देता हूँ, आप जो है अपने हिसाब से नंबर अपना डाल दीजिएगा जो नंबर आपका बैन है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना और नीचे यहां पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहां पर भी वही ईमेल एड्रेस दोस्तों आपको दोबारा से डालना है। अब दोस्तों यहां पर आपको वो ईमेल एड्रेस डालना है जो आपका ईमेल एक्टिव हो, क्योंकि व्हाट्सएप आपसे जब कॉन्टैक्ट करेगा तो इसी ईमेल पर कॉन्टैक्ट करेगा, ओके। तो इतना काम आपको कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको हाउ टू यूज व्हाट्सएप, तो यहां पर आप किस डिवाइस में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड में, आईफोन में, वेब या डेस्कटॉप में या फिर आपको अदर में। तो अगर आप एंड्रॉइड में यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर एंड्रॉइड भी सेलेक्ट करके रहने देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग एंड्रॉइड में ही यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि यहां पर आपको एक मैसेज टाइप करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या टाइप करना है। मैंने यहां पर पहले से ही कॉपी करके रखा है, नोट बना ली है, तो मैं अपनी नोट्स में चले जाता हूं यहां पर और यहां से मैं इसे जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब यहां पर कॉपी करने के बाद मैं यहां से चला आता हूं और उसके बाद जो है मैं एक बार फिर से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों आप जैसे इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा लिख के आ चुका है, हेलो टीम व्हाट्सएप। आपको यही लिखना है, डियर सर WhatsApp has been stopped on our mobile number and I have not violated any guideline of WhatsApp. Therefore, you are requested to restart the WhatsApp facility on our number. उसके बाद आपको अपना वही मोबाइल नंबर दे देना और थैंक यू लिख देना है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि डियर सर हमारा जो है WhatsApp वो बैन हो चुका है और मैंने WhatsApp की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे WhatsApp को दोबारा से जो है चालू करें या WhatsApp नंबर पर अपनी सर्विस को फिर से चालू करें, ओके। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब दोस्तों आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर अब आपका जो है ये जो कुछ भी आपने लिखा है WhatsApp के पास पहुँच जाएगा और WhatsApp
कि टीम जो है आपके मैसेज को पढ़ेगी और आपके नंबर को जो है चेक करेगी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपका व्हाट्सएप जो है वो अनबैन हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक तरीका है, इस तरीके के द्वारा आप बहुत ही आसानी से अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो चुका है तो आप उसे चुटकियों में अनबैन कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसी वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।